हेलो एवरीवन, आज हम लोग न्यू यूनिट शुरू करने जा रहे हैं ESDM में। दैट इज यूनिट 8 है आपका, ठीक है। ATM, तो यूनिट 8 आपका ATM है। तो इस ATM के बारे में हम लोग थ्रू आउट द जो हमारा पेपर था, हम लोग इस ATM का यूज़ करते आए हैं, इस वर्ड का, है ना। हमने ATM स्विच देखा, ATM, ठीक है, हब देखा, ATM, हमारे पास राउटर था। तो इस ATM यानी कि ये बेसिकली हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है या एक मोड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र है, हम कह सकते हैं। तो इस मोड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र का यूज़ करते हुए हम ऑपरेशन स्विचेस के लिए, ठीक है, हब्स के लिए, ठीक है, राउटर्स के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस के लिए हम लोगों ने इस वर्ड ATM का यूज़ किया है। तो आज हम लोग इस यूनिट में ATM को हम लोग डिटेल में देखेंगे, इस ATM का नेटवर्किंग में, ठीक है, कम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में किस तरीके से एप्लीकेशन है, क्या क्या बेनिफिट्स है, हम इसके बारे में फंडामेंटल तरीके से हम इनको स्टडी करेंगे इस यूनिट में। तो इससे पहले कि हम लोग ATM में जाए, ATM का जो फुल फॉर्म है हम अभी तक हम लोग को मालूम होगा, असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, तो असिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर मोड, ठीक है, ATM। तो इस तरीके से हमारे पास जो डाटा ट्रांसफर मोड है, जो कि असिंक्रोनस के लिए हम लोग यहाँ पर डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसी ATM को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इससे पहले कि हम ATM में जाए, असिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र मोड में जाए, तो इससे पहले हम कुछ डाटा ट्रांसमिशन या डाटा ट्रांसफ़र को हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक दिख रहा है, दैट इज़ सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। तो सिंपली अगर हम डाटा ट्रांसमिशन की बात करें, तो डाटा ट्रांसफ़र करना, दैट मीन्स कि दो डिवाइसेस के बीच में या दो एंड पॉइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, बातचीत बोल सकते हैं अगर हम वॉइस डाटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, वॉइस अगर हो गया, वीडियो अगर हमें सेंड करना हो, ठीक है, टेक्स्ट के टर्म में करना हो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा हमारे पास है जिनको कि हमें ट्रांसफ़र करने का नीड होता है, ठीक है, एज अ कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन लिंक को एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, जो कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश होता है वो किस पर्पज़ के लिए होता है, फॉर द डाटा ट्रांसमिशन। तो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन, दैट मीन्स कि जो डाटा ट्रांसमिट होगा, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में, ये दो पॉइंट्स क्या क्या हो सकता है, दो एंड पॉइंट्स हो सकता है, सेंडर एंड रिसीवर, जिसे हम ट्रांसमीटर एंड रिसीवर भी कहते हैं, ठीक है, या इनको हम दूसरा नाम देते हैं, होस्ट भी कहते हैं, ठीक है, नोड्स भी हम कहते हैं, सोर्स नोड, डेस्टिनेशन नोड। तो ये सेंडर, रिसीवर्स या होस्ट, नोड, या फिर दो जो एंड पॉइंट्स हैं, इनका डिफरेंट डिफरेंट नाम है, हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी यूज़ किया है। तो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन क्या करता है, जो डाटा बिट्स, ठीक है, तो हम लोगों ने जितना भी ट्रांसमिशन देखा या कम्युनिकेशन देखा, ठीक है, तो बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशंस होते हैं, ये डाटा के टर्म में, ठीक है, डाटा के टर्म में ट्रांसमिट होता है। एंड अगर हम डिजिटल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं या डिजिटल चैनल अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो डाटा ट्रांसफ़र होता है, जो इन्फॉर्मेशन हम सेंड करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स में, वो जो डाटा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल बिट्स होता है, ठीक है, डिजिटल बिट्स में होगा। अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशन यहाँ पर कर रहे हैं, तो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो बिट्स होते हैं वो, डाटा बिट्स जो होता है वो सीरियली ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक सीरियल ट्रांसमिशन देख पा रहे हैं कि सबसे पहले ये जो सेंडर नोड होगा, इस सेंडर नोड से हमारा ये ज़ीरो बिट आया है, ठीक है, जो कि रिसीवर की तरफ मूव कर रहा है। देन उसके बाद अगेन ये ज़ीरो बिट आया है, फिर वन बिट आया है, ज़ीरो बिट, वन वन, जीरो एंड वन, ठीक है। तो इस तरीके से दैट मीन्स कि जो सेंडर से जो भी बिट पहला यहाँ पर निकला है, वो रिसीवर को सबसे पहले रिसीव होगा, ठीक है, एंड जो सबसे लास्ट में यहाँ पर लीव किया है सेंडिंग एंड को, वो रिसीविंग एंड पे वो सबसे लास्ट में ही पहुँचेगा, ठीक है। तो ये एक सीरियल कम्युनिकेशन है, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन है, या एक डाटा ट्रांसफर मोड का ये मेथड कह सकते हैं कि सीरियली यहाँ पर डाटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर यहाँ से ज़ीरो बिट निकल रहा है, तो ये ज़ीरो बिट रिसीवर तक पहुंचेगा, एंड उसके बाद दूसरा बिट यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये सीरियल हो गया। एंड इसका अगर हम दूसरा मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन देखें, तो हमारे पास आता है पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है। तो पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन, दैट मीन्स कि हमारे पास जो जितने भी चैनल्स होंगे, जितने भी लिंक्स होंगे, उन सारे लिंक्स पर पैरेलली डाटा ट्रांसमिट हो रहा होगा एट द सेम टाइम, ठीक है। तो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन को हम
क्लासिफाई कर सकते हैं, सिंस हमें एटीएम यहाँ पे पढ़ना है तो पैरेलल डाटा कम्युनिकेशन का हमें यहाँ पे नीड नहीं है, तो हम सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में ही आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है इसका, असिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन एंड सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं ये असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस मोड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, तो हमने पहले भी इसको क्लासेस में वीडियोस में हमने डील किया है, तो यहाँ पर हम देखिए फिगर के टर्म में हम देख सकते हैं। तो सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में सबसे जो इम्पॉर्टेंट की होता है दैट इज़ क्लॉक पल्स। ठीक है, तो जब भी हम डिजिटल कम्युनिकेशन में आते हैं, डिजिटल डिवाइसेस में आते हैं, तो हमारे पास एक सिग्नल होता है क्लॉक पल्स। ठीक है, जो कि जो भी हमारा डिवाइस है जो ऑपरेट हो रहा है डिजिटली, तो उस डिजिटल को एक पल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑन या ऑफ ऑफ करने के लिए, या फिर सिंपली बोल सकते हैं काम करने के लिए। ठीक है, क्लॉक पल्स जब भी हमारा हाई होता है, ये हाई क्लॉक है, तो हाई क्लॉक में जो भी डिवाइस है, जो भी सिस्टम है वो, ठीक है, ऑन कंडीशन में, दैट मीन्स कि वो काम करने के लिए उस स्टेट में होता है। एंड जैसे ही ये अभी भी ये हाई है, एंड जैसे ही क्लॉक पल्स हमारा लो हो जाता है, दैट मीन्स कि अब जो डिवाइस है या जो सिस्टम है वो ऑफ कंडीशन में जा रहा है, दैट मीन्स कि ये काम करने के लिए अभी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका लो क्लॉक पल्स होता है। तो इसी तरीके से जितने भी डिजिटली हम लोग कम्युनिकेट करते हैं सिस्टम को या डिवाइस को काम कराते हैं, तो उसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट की होता है दैट इज़ क्लॉक पल्स। ठीक है, क्लॉक पल्स जैसे ही मिलेगा तब जो भी डिवाइसेज हैं उनको ये सिग्नल रिसीव होता है कि उनको काम करना है या नहीं। तो ये जो क्लॉक पल्स है, एक्सटर्नल क्लॉक पल्स ही अप्लाई किया जाता है इन केस ऑफ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक टर्म दिख रहा है सिंक्रोनस या फिर सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो जब भी डाटा ट्रांसमिशन होता है वो दो पॉइंट्स के बीच में हो रहा है। ठीक है, सेंडर और रिसीवर के बीच में, ट्रांसमीटर या रिसीवर के बीच में। ठीक है, दो एंड पॉइंट्स के बीच में, तो इन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर सेंडर कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करना चाह रहा है, सेंड करना चाह रहा है टू द रिसीवर, एंड रिसीवर को उस सेम टाइम पे अगर किसी भी तरीके का सिग्नल रिसीव नहीं हुआ है कि कोई डिवाइस उसको कुछ भेजना चाह रहा है, तो इस केस में ये सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं होगा। एंड हो सकता है कि जो भी सेंडर ने डाटा ट्रांसमिट किया वो रिसीवर को रिसीव हो फ्लो जो हो रहा है, ठीक है, वो ऑर्डर में हो, ठीक है, या ना भी हो, तो इस तरीके का डिफरेंट यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर दोनों सेंडर एंड रिसीवर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि जब भी अगर सेंडर कुछ सेंड करना चाहे तो रिसीवर को सेम टाइम पे ये मालूम हो कि सामने वाले डिवाइस से कुछ अभी रिसीव होने वाला है, एंड उस टाइम पे रिसीवर रेडी रहेगा रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो इसे सिंक्रोनाइजेशन को यहाँ पे एस्टैब्लिश करने के लिए क्लॉक पल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, एंड ये जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, इसमें जो डाटा फ्लो होता है वो फुल डुप्लेक्स मोड में होता है। ठीक है, फुल डुप्लेक्स मोड दैट मीन्स कि सेम टाइम पे सेंडर अगर रिसीवर को भेज रहा है तो रिसीवर भी सेंडर को सेम टाइम पे रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, सेम टाइम पे डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है, दैट मीन्स कि सेम टाइम पे सेंडर एंड रिसीवर दोनों ही ट्रांसमिट और रिसीव का काम कर रहे होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर और एक चीज़ दे सकते हैं, ये जो आपका जो डाटा जा रहा है, ठीक है, ये ब्लॉक्स के टर्म में जा रहा है। ठीक है, ट्रेन पल्स के टर्म में जा रहा है, दैट मीन्स कि ये अगर एक ब्लॉक है, इसको अगर हम ब्लॉक वन बोल दें, ठीक है, ये अगर एक ब्लॉक टू है, तो ये हर एक ब्लॉक्स में क्या है, 8 बिट का डाटा होता है। ठीक है, तो हर एक ब्लॉक 8 बिट का डाटा कंस्टिट्यूट करता है, एंड ये बिट्स के फॉर्म में या ब्लॉक्स के फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्लॉक गया है, ये दूसरा ब्लॉक यहाँ पर है, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, पांचवा ब्लॉक, तो इस तरीके से ब्लॉक के टर्म में डाटा ट्रांसफ़र होता है इन केस ऑफ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, एंड दो ब्लॉक्स के बीच में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किसी भी तरीके का कोई गैप यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही क्लॉक पल्स हाई होगा, दैट मीन्स कि ये पहला जो ब्लॉक है ये रिसीव हो गया है, एंड उसके बाद ये तब तक हाई रहेगा जब तक कि सारा का सारा 8 बिट इसको रिसीव नहीं हो जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद जो क्लॉक पल्स है वो लो हो जाएगा। ठीक है, क्लॉक पल्स लो होने के बीच पे रिसीवर को पता चलेगा कि जो एक बाइट था या एक ब्लॉक था वो कंप्लीट रिसीव हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जब लो होगा, दैट मीन्स कि लो होने के बाद ये तुरंत, ठीक है, हाई में जाएगा। जैसे ये हाई होगा, दैट मीन्स कि दूसरा ब्लॉक ये रिसीव करने के लिए, ठीक है, रेडी है। इसी तरीके से हाई या लो क्लॉक पल्स यहाँ पर यूज़ होता है, जो कि डिफरेंट ब्लॉक्स को ये रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ हाई या लो क्लॉक पल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम
पॉइंट कंक्लूड करें तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में जो डाटा फ्लो होता है वो फुल डुप्लेक्स मोड में होता है, ठीक है। जो भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो ब्लॉक्स या फ्रेम्स के टर्म में होता है एंड दो ब्लॉक्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। एंड सिंक्रोनाइजेशन को बनाए रखने के लिए एक्सटर्नल क्लॉक पल्स का यूज़ किया जाता है। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में अब हम आते हैं, तो असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के जस्ट ऑपोजिट होगा, दैट मीन्स कि जो डाटा फ्लो होगा वो पहले फुल डुप्लेक्स मोड में हो रहा था तो अब ये हाफ डुप्लेक्स मोड में होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पर जो क्लॉक पल्स हम लोग सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे थे यहाँ पर कोई भी क्लॉक पल्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए यहाँ पर दो पैरिटी बिट्स यूज़ किया जाता है, दैट मीन्स कि एक स्टार्ट बिट, ठीक है, एंड एक स्टॉप बिट, यानी कि जो भी डाटा है, ठीक है, ब्लॉक्स ऑफ जो डाटा है इसके स्टार्टिंग में एक जीरो बिट को ट्रांसफ़र किया जाता है जो कि स्टार्ट बिट कहलाता है, एंड उस डाटा ब्लॉक के लास्ट में एक वन बिट भेजा जाता है जो कि स्टॉप बिट कहलाता है। तो जैसे ही रिसीवर को ये ज़ीरो बिट मिलेगा तो ये समझेगा कि अभी डाटा ब्लॉक आना शुरू हुआ है, दैट मीन्स कि यह स्टार्ट बिट है। उसके बाद ये 8 बिट कंप्लीट यानी कि ब्लॉक ऑफ डाटा को ये रिसीव कर लेगा, एंड उसके बाद लास्टली जब ये 1 रिसीव करेगा, ठीक है, दैट मीन्स कि 10th बिट, तो इसको पता चलेगा कि ये, दैट मीन्स कि कंप्लीट जो डाटा ब्लॉक है वो अब रिसीव हो चुका है, एंड स्टॉप बिट दैट मीन्स कि अब कोई डाटा नहीं है, ठीक है। एंड ऑल्सो हम देख रहे हैं कि दो ब्लॉक्स के बीच में हमको यहाँ पर गैप दिख रहा है, ठीक है, तो इस गैप का मतलब है दैट मीन्स कि कुछ टाइम के लिए, ठीक है, रिसीवर को ये पता चल जाएगा कि अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी डाटा ब्लॉक्स अवेलेबल लाइन पे नहीं है, दैट मीन्स कि जो भी डाटा फ्लो हो रहा था वो कंप्लीट रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड में डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ये भी ब्लॉक्स के टर्म में होगा बट सिंक्रोनाइजेशन के लिए यहाँ पर स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ क्लॉक पल्स, ठीक है। एंड ये हाफ डुप्लेक्स मोड में होता है, दैट मीन्स कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम होगा, इधर रिसीव और ट्रांसमिट। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं एटीएम, ठीक है, कुछ फंडामेंटल्स एटीएम से रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोगों ने असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड में किस तरीके से डाटा ट्रांसफर होता है ये हमने देखा, ठीक है। तो अब अगर हम एटीएम को डिफाइन करें कुछ फंडामेंटल्स या कुछ इसके बारे में अगर हम जानना चाहें, तो एक पॉइंट हमारे पास, दैट इज़ जो एटीएम है असिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड है, ठीक है, ये एक्चुअली में आईटीयू, दैट मींस कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट है, ठीक है। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है या एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, जहाँ पर कि आपको मल्टीपल टाइप ऑफ सर्विस यहाँ पर आपको, ठीक है, मिलता है, दैट मीन्स कि मल्टीपल टाइप ऑफ सर्विस, दैट मीन्स कि मल्टीमीडिया को आप इस एटीएम के हेल्प से डाटा ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ठीक है, मल्टीमीडिया को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मल्टीमीडिया में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, मल्टीमीडिया लाइक हमारे पास वॉइस डाटा होगा, ठीक है, वॉइस सिग्नल होगा, वीडियो सिग्नल होगा, टेक्स्ट सिग्नल या डाटा सिग्नल हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर इस एटीएम के हेल्प से हम, ठीक है, इस स्टैंडर्ड के हेल्प से हम कन्वे कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो किस फॉर्म में होता है, इन अ फिक्स्ड साइज सेल, ठीक है। तो जैसे अभी हमने एटीएम में देखा कि ब्लॉक्स के टर्म में जा रहा है, ठीक है, दैट मींस कि जो ब्लॉक है वो 8 बिट का है, ठीक है, जो यानी कि उसका जो साइज़ है वो कंप्लीट फिक्स है, ठीक है। तो साइज़ या फिर उसी कंप्लीट ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, इधर हम सेल बोलेंगे, क्योंकि ये इसका जो साइज़ है, सेल क्या होता है, ये फिक्स साइज़ का होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग सेल बोलते हैं, जिसको कि अगर ये अलग अलग ग्रुप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अलग अलग हो बट साइज़ अगर डिफरेंट होता है तो इसको हम फ्रेम भी कहते हैं, ठीक है। फ्रेम में साइजेस अलग अलग होता है इंफॉर्मेशन का या डाटा का, बट जो सेल होता है यहाँ पर हमको फिक्स्ड साइज का, ठीक है, फ्रेम मिलेगा, जिसको कि हम यहाँ पर जनरली सेल कहते हैं। तो जो एटीएम है वो क्या है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन स्टैंडर्ड है, जो कि हमको डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि मल्टीमीडिया लाइक वॉइस डाटा और वीडियो, इनको ये फिक्स्ड साइज सेल के टर्म में ट्रांसफ़र करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। तो एटीएम जो है एक पैकेट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसमें कि जो ट्रैफिक को या फिर डाटा को हम जो सेंड कर रहे हैं वो हम फिक्स्ड साइज सेल के टर्म में कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास फिक्स्ड साइज फिक्स्ड लेंथ जो पैकेट होता है या फ्रेम जो होता है, जिसको कि हम लोग सेल कहते हैं। अब ये जो सेल होता है, इस सेल का भी अपना कोई साइज होता है, ठीक है, तो ये
48 बाइट का होता है, ठीक है। तो 48 बाइट का होता है एंड इस 48 बाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। 53 बाइट, सॉरी, जो हमारे पास टोटल सेल का जो साइज होता है वो 53 बाइट का होता है, ठीक है। 53 बाइट का सेल होता है एंड इस 53 बाइट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें 48 बाइट का इन्फॉर्मेशन आता है एंड 5 बाइट का हमारे पास हेडर फाइल आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब भी किसी भी नेटवर्क में जो डाटा या फिर डाटा पैकेट आ रहा है, फ्रेम आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, तो उसका अपना कोई साइज़ होता है एंड उसमें इन्फॉर्मेशन होता है, यानी कि मेन इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड होता है एज वेल एज़ वहाँ पर हेडर फाइल भी होता है एंड उस हेडर फाइल में डिफरेंट एड्रेसेस होता है, ठीक है। सेंडिंग एंड का होगा, रिसीविंग एंड का होगा, इंटरमीडिएट नोड्स का होगा, तो डिफरेंट वहाँ पर इंफॉर्मेशंस इंक्लूडेड होता है हेडर फाइल्स का, ठीक है, एज वेल एज़ कहाँ कहाँ किस पाथ को फॉलो करना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन उस हेडर फाइल में होता है। तो जो सेल का साइज होता है एटीएम में वो 53 बाइट्स का होता है एंड 53 बाइट्स को बाइट्स में जो 48 बाइट होता है उसमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड होता है जो कि ट्रांसफ़र करना है एंड 5 बाइट यूज़ होता है फॉर द हेडर फाइल, जिसमें कि डिफरेंट एड्रेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट मिल गया, दैट मीन्स कि ये हमारे पास एक ITU स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो कि डाटा ट्रांसफ़र करता है, मल्टीमीडिया डाटा ट्रांसफ़र को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, अलाउ करता है एंड ये किस फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट करता है, फिक्स्ड साइज पैकेट, जिसे कि हम सेल कहते हैं, ठीक है। सेल का अगर हम देखें साइज़ तो ये 53 बाइट का होता है, जिसमें 48 बाइट एंड 5 बाइट के में हम इसको अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड मोड, ठीक है। तो जो ATM है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है, दैट मीन्स कि ATM का यूज़ करके अगर हम डाटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद ही हम डाटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास दो एंड है, ठीक है, एक ट्रांसमीटर है एंड एक रिसीवर है, तो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में डाटा ट्रांसफ़र होने के लिए हमें यहाँ पर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा, ठीक है। तो दो एंड पॉइंट्स के बीच में हमारे पास राउटर हो सकता है, स्विचेज हो सकता है, ठीक है। तो ये सपोज़ हमारे पास राउटर या फिर स्विचेज है, तो हमारे पास दो एंड पॉइंट है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंड हमारे पास है ये राउटर, ठीक है। तो अब अगर हमें डाटा ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, तो ट्रांसमीटर सबसे पहले कनेक्शन बनाएगा, ठीक है, इस तरीके से राउटर के साथ में, ठीक है, राउटर यहाँ पर मल्टीपल स्विचेज होगा एंड इस तरीके से देन ये रिसीवर के पास पहुँचेगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है एंड ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद ही ट्रांसमीटर से रिसीवर में डाटा ट्रांसफ़र हो पाएगा, ठीक है। अब ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन आपका वर्चुअल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, या फिर परमानेंट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, केबल्स के थ्रू। तो यहाँ पर वर्चुअल कनेक्शन यानी कि VC हम बोलते हैं, ठीक है, वर्चुअल कनेक्शन हम यहाँ पर भी यूज़ करते हैं, दैट मीन्स कि ये एक सिर्फ जो डाटा ट्रांसफ़र होगा वो हेडर फाइल में जो भी एड्रेसेस वहाँ पर इंक्लूडेड है उसी एड्रेसेस के बेसिस पे ये नोड्स को फॉलो करता हुआ जाएगा एंड एक वर्चुअल पाथ या वर्चुअल चैनल क्रिएट करेगा, ठीक है। तो वर्चुअल चैनल क्रिएट करेगा एंड इस वर्चुअल चैनल के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वर्चुअल कनेक्शन हो गया एंड दूसरा हमारे पास परमानेंट कनेक्शन केबल्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है, कि हम डायरेक्ट कनेक्शन कर दें एंड ऑल द टाइम अगर हमें इस ट्रांसमीटर से रिसीवर में अगर डाटा ट्रांसफ़र करना हो तो वो उसी पाथ को ही फॉलो करेगा। सो दिस ATM इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड डाटा ट्रांसफ़र मोड, ठीक है। तो हमारे पास जो सेल का जो साइज़ था, ठीक है, 53 बाइट्स में, जिसे हमने 48 एंड 5 बाइट में डिवाइड किया, ठीक है। तो इस जो 5 बाइट जो कि एक्चुअल में हेडर फाइल होता है, ठीक है, इसमें एड्रेसेस इंक्लूडेड होता है, तो इसी 5 बाइट का जो सेल फॉर्मेट है ये यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये जो हेडर फाइल का सेल फॉर्मेट होता है इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो ये 5 बाइट कंटेन करता है एक VCI लेवल, ठीक है, जैसे कि हम वर्चुअल चैनल आइडेंटिफायर कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो साइज़ होता है वे ये 24 बिट्स का होता है। नेक्स्ट 8 बिट का यहाँ पर कंट्रोल फील्ड होता है एंड नेक्स्ट 8 बिट का यहाँ पर चेकसम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, टोटल 5 बाइट्स में। तो टोटल 5 बाइट्स में हमारे पास, ठीक है, 5 बाइट है एंड 1 बाइट में हमारे पास 8 बिट होता है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 40 बिट्स आता है, ठीक है, 5 बाइट में। तो इस 40 बिट्स में से 24 बिट्स जो है वो VCI लेवल के लिए, ठीक है, यानी कि आपका
पाथ को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर चैनल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। 8-bit जो है वो कंट्रोल के लिए यूज़ होता है, GFC या फिर जो हमारे पास PT है, पेलोड टाइप, ठीक है, तो ये डाटा फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। एंड 8-bit जो है वो चेकसम के लिए, दैट मीन्स कि कोई भी एरर वहाँ पर है या एरर करेक्शन के लिए 8-bit यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 5-byte का जो हेडर फाइल होता है ये कंप्लीट पाथ आइडेंटिफायर, ठीक है, डाटा कंट्रोल, पेलोड टाइप, हेडर, एरर करेक्शन, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये 5-byte में इंक्लूड करता है, ठीक है। इसका कुछ यहाँ पर हम फॉर्मेट इस तरीके से होता है, ठीक है। तो जो सेल फॉर्मेट होता है 5-byte का, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, UNI सेल फॉर्मेट और NNI सेल फॉर्मेट, ठीक है। तो UNI सेल फॉर्मेट क्या होता है, यूज़र नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है, यूज़र नेटवर्क इंटरफेस, एंड NNI दैट मीन्स कि नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। तो UNI सेल फॉर्मेट दैट मीन्स कि जो 5-byte का जो हेडर है ये इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करता है, तो ये 5-byte में इंक्लूडेड होगा कि इसको UNI सेल फॉर्मेट को यूज़ करना है या फिर NNI सेल फॉर्मेट का यूज़ करके डाटा ट्रांसफ़र करना है, दैट मीन्स कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो जो UNI सेल फॉर्मेट होता है इसका कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है, इसमें GFC होता है, VPI भी होगा, ठीक है, VCI होगा, PT होगा, पेलोड टाइप एंड CLP होगा, ठीक है, एंड एरर करेक्शन के लिए भी हेडर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो 5-byte में इतना सारा इन्फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ UNI सेल फॉर्मेट, एंड इस 5-byte में, ठीक है, सारा कुछ होगा एक्सेप्ट फॉर GFC, ठीक है, तो यहाँ पे GFC नहीं होता है, ठीक है। तो NNI सेल फॉर्मेट अगर यूज़ कर रहा है तो उस 5-byte में हेडर फाइल में GFC यानी कि फ्लो कंट्रोल के लिए यहाँ पर कोई भी प्रोविजन नहीं होगा, एंड बाकी का UNI एज वेल एज NNI दोनों में जो 48-byte होगा इसमें, ठीक है, मेन इन्फॉर्मेशन होगा, मेन डाटा होगा। तो इस UNI को भी हम लोग आगे देखेंगे कि इसका डिफरेंट लेयर्स क्या क्या होता है, इसमें किस तरीके से ऑपरेशन होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम सेल फॉर्मेट को UNI एंड NNI में डिवाइड करते हैं। तो UNI सेल फॉर्मेट कब होता है, यूज़ होता है, तो UNI सेल फॉर्मेट तब यूज़ होता है जब हमारे पास दो एंड पॉइंट्स हो, ठीक है, एंड दो एंड पॉइंट्स के बीच में हमारे पास क्या आता है, राउटर आएगा, स्विचेस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसमीटर है और ये हमारे पास रिसीवर है। तो UNI हमारे पास UNI सेल फॉर्मेट तब यूज़ होता है जब डाटा जो ट्रांसफ़र करना हो बिटवीन एक एंड पॉइंट हो गया ये, ठीक है, इस एंड पॉइंट से अगर हमें स्विचेस के बीच में अगर हमें सेंड करना हो, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे स्विचेस होगा, राउटर होगा, तो स्विचेस एंड एक एंड पॉइंट, ठीक है, दैट मीन्स कि इधर ट्रांसमीटर हो सकता है और रिसीवर हो सकता है, ठीक है। तो सपोज़ ये जो ट्रांसमीटर और इस स्विच के बीच में डाटा अभी कनेक्शन कम्युनिकेशन के लिए कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है, तो इस टाइम पे जो सेल फॉर्मेट यूज़ किया जाएगा 5-byte का वो UNI सेल फॉर्मेट होगा, ठीक है। सेम तरीके से अगर रिसीवर और स्विच के बीच में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो इस केस में भी UNI सेल फॉर्मेट यूज़ होगा, ठीक है। तो सिंपली जो UNI सेल फॉर्मेट है दैट मीन्स कि यूज़र नेटवर्क इंटरफेस तब यूज़ होता है जब ट्रांसमीटर या फिर कोई भी एक एंड पॉइंट इधर ट्रांसमीटर और रिसीवर एंड स्विच, ठीक है, स्विच एंड ट्रांसमीटर के बीच में या स्विच और रिसीवर के बीच में अगर डाटा ट्रांसफ़र करना हो तो UNI यूज़ होता है। सेम अगर हम NNI के लिए देखें तो NNI के लिए भी यहाँ पर हमारे पास ट्रांसमीटर रिसीवर होगा, ठीक है, तो ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में अगेन हमारे पास स्विचेज आएगा। तो इसी राउटर में या इसी नेटवर्क में अगर हम डिफरेंट स्विचेज के बीच में डाटा ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं, ठीक है, अब सपोज इस दोनों स्विच के बीच में हो रहा है या फिर इन दोनों स्विच के बीच में या फिर इन दोनों स्विच के बीच में, तो जब स्विचेस टू स्विचेस के बीच में ही डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो इस केस में नेटवर्क टू नेटवर्क या NNI इंटरफेस यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से UNI एंड NNI का यूज़ डिफरेंट केसेस में किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर हम ATM नेटवर्क इंटरफेसेस के ऑपरेशन में अगर हम आते हैं, ठीक है, तो अगेन यहाँ पर ऑपरेशन के लिए हमारे पास जो सेल फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं 5-byte का हेडर के लिए वो UNI एंड हमारे पास NNI होता है, ठीक है, इसको NNI आप कर लीजिएगा, NMI नहीं है, ये NNI है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये आपका स्विचेस है, ठीक है, तो स्विचेस एंड ये आपका ट्रांसमीटर है सपोज़, ठीक है, तो स्विचेस एंड ट्रांसमीटर के बीच में यहाँ पर आपको कनेक्शन दिख रहा है, तो स्विचेस एंड ट्रांसमीटर के बीच में जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है दिस इज़ नोन एज UNI, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर ये आपका रिसीवर एंड स्विचेस के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है दैट इज़ UNI, ठीक है, एंड अगेन स्विचेस टू स्विचेस के बीच में यहाँ पर कनेक्शन है दिस इज़ NNI, ठीक है, नेटवर्क टू नेटवर्क
इंटरफेस। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन होता है वो इधर यूएनआई मोड में होगा या फिर एनएनआई मोड में होगा, ठीक है। तो जो एटीएम यानी कि असिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड है, इसका हमने एक वर्किंग प्रिंसिपल देखा था, ये टीडीएम पे काम करता है ना, हमने प्रीवियसली भी इसको डिस्कस किया है, यानी कि टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में। दैट मीन्स कि हर एक यूज़र को या फिर हर एक जो डिवाइसेज है उससे हर एक डिवाइसेज को या हर एक चैनल को हर एक मीडियम को एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट अलॉटेड होता है, एंड उसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पर ही वो अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है बिटवीन डिवाइसेज, ठीक है। एंड मल्टीप्लेक्सिंग दैट मीन्स कि एक मल्टीप्लेक्सर होगा एंड इसमें मल्टीपल इनपुट्स होगा, इसको ये मल्टीप्लेक्स करके एक सिंगल लाइन या एक सिंगल चैनल में ही ये ट्रांसफ़र कराता है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल टीडीएम ऑपरेशन देखें तो यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं, एक मल्टीप्लेक्सर है यहाँ पर, ठीक है, एंड यहाँ पर डिफरेंट इनपुट्स है, दैट मीन्स कि डिफरेंट चैनल्स है, ठीक है, 1, 2, 3 थ्री चैनल है यहाँ पर कनेक्टेड है इस मल्टीप्लेक्सर से, एंड इसका जो आउटपुट है एक सिंगल आउटपुट रहता है, ठीक है। तो इन तीनों इनपुट्स के बीच में या तीनों चैनल्स के पास देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट चैनल है, फर्स्ट चैनल के पास ए एंड बी ब्लॉक्स है, ठीक है, सेकंड चैनल के पास एक आई ब्लॉक है, एंड थर्ड चैनल के बीच एक एक्स एंड ठीक है कोई वाई ब्लॉक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे स्टार्टिंग में जो सबसे पहला टाइम स्लॉट होगा, ठीक है, इस जो टाइम स्लॉट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस सेम टाइम पे तीनों चैनल पे, ठीक है, कुछ कुछ डाटा प्रेजेंट है। तो इस टाइम स्लॉट पे, ठीक है, इस टाइम स्लॉट पे जो तीनों चैनल पे डाटा ब्लॉक्स अवेलेबल है वो आउटपुट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो ए है, ठीक है, ए ब्लॉक जो है, ए जो डाटा ब्लॉक होगा ये ट्रांसफ़र हो चुका है आउटपुट चैनल में, ठीक है। एंड इसी टाइम पे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सेकंड चैनल है, तो इस सेकंड चैनल में कोई भी डाटा ब्लॉक्स अवेलेबल नहीं था इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे, तो इसका जस्ट एक वैकेंट टाइम स्लॉट यहाँ पे चला गया, दैट मीन्स कि ये वेस्ट में चला गया, ठीक है। तो इस जो टाइम स्लॉट सेकंड चैनल के लिए जो टाइम स्लॉट था यहाँ पर वैकेंट चला गया, ठीक है, वेस्ट हो गया। एंड उसके बाद उसी टाइम स्लॉट पे थर्ड चैनल पे एक एक्स ब्लॉक है जो कि ट्रांसफ़र हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन ब्लॉक्स अभी हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है आउटपुट साइड में। एंड अगर हम दूसरा टाइम स्लॉट देखें तो इस टाइम स्लॉट में अगेन यहाँ पर तीन ब्लॉक्स है, ठीक है, तीनों चैनल्स पे, तो तीनों चैनल का यहाँ पर सीरियली ट्रांसफ़र हो जाएगा। दैट मीन्स कि सबसे पहले बी ब्लॉक आएगा, ठीक है, देन जो ब्राउन ब्लॉक है, ठीक है, पी ब्लॉक होगा सपोज, एंड उसके बाद थर्ड चैनल में लास्ट ब्लॉक है वाई। तो ये तीनों इस तरीके से सीरियली ट्रांसमिट हो चुका है टू द आउटपुट साइड ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। तो नॉर्मल टीडीएम ऑपरेशन में इस तरीके का ऑपरेशन होता है, यानी कि पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स पे जितने भी डाटा मल्टीपल चैनल्स पे अवेलेबल है वो आउटपुट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है, एक सिंगल चैनल में। एंड उस टाइम पे अगर कोई चैनल पे कोई डाटा अवेलेबल नहीं है तो उसका टाइम स्लॉट वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसी टीडीएम को यहाँ पर अगर हम इम्प्लॉय करते हैं इन एटीएम मोड, ठीक है, एटीएम के साथ अगर हम टीडीएम को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि असिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र भी कराना चाह रहे हैं एंड मल्टीप्लेक्सिंग को भी, यानी टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग को भी अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इस केस में जो प्रीवियस केस में यहाँ पर जो आपका टाइम स्लॉट वेस्ट चला गया, तो इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका अगेन सेम तरीके का है, तो इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पर क्या है, ए एंड एक्स ब्लॉक अवेलेबल है, ठीक है, चैनल 1 एंड चैनल 3 पे, ठीक है, चैनल 2 पे अभी कुछ भी नहीं है। तो चैनल 1 का जो ए ब्लॉक है वो ट्रांसफ़र हो चुका है आउटपुट साइड में, ठीक है, चैनल 2 पे यहाँ पे कोई भी ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, तो इस टाइम पे जो इस टाइम स्लॉट को ले लेगा वो दूसरा चैनल पे, सेम टाइम पे अगर दूसरे चैनल में कोई भी डाटा है तो वो उसको रिप्लेस कर लेगा, ठीक है। तो उसी टाइम पे ये सेकंड चैनल के टाइम पे टाइम स्लॉट पे बिल्कुल खाली था, ठीक है, तो वो एक्स ब्लॉक यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर दूसरा टाइम स्लॉट पे देखें तो दूसरे टाइम स्लॉट पे बी पी एंड वाई ब्लॉक्स अवेलेबल है, तो ये बी पी एंड वाई ब्लॉक्स यहाँ पर आउटपुट में ट्रांसफ़र हो गया है। तो यहाँ पर जो भी प्रीवियस केस में जो वेस्ट चला गया था टाइम स्लॉट, वो इस केस में यहाँ पर हम एटीएम के साथ जब टीडीएम को यूज़ करते हैं तो इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल ऑपरेशन है एटीएम का, कि यहाँ पर हम असिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड हो रहा है, जो कि हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा इस वीडियो के, किस तरीके से ब्लॉक वाइज डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट का यूज़ करते हुए। एंड एटीएम जो यूज़ करता है दैट इज़ टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग को भी यूज़ करता है, तो इन दोनों का जो फीचर्स है वो कंबाइन होकर हमारे लिए एक काफ़ी बेनिफिट्स यहाँ पर हमको प्रोवाइड करता है।
ठीक है। तो डिफरेंट बेनिफिट्स आपको इस एटीएम का दिया हुआ है, ठीक है। काफ़ी जो डायनेमिक बैंडविथ अवेलेबल कराता है, ठीक है, कि जितने भी बस्टी ट्रैफिक हो गए, ठीक है, जिसको कि हमें ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स के बीच में स्मॉल डाटा भी ट्रांसमिट करना हो तो हम इसको ईजिली, ठीक है, उस बैंडविथ के अकॉर्डिंगली करा सकते हैं, ठीक है। स्मॉल हेडर फाइल होता है, ठीक है, जो कि उस बैंडविथ के अंदर ही काम करने के लिए उसको एफिशिएंट बनाता है, ठीक है। इट कैन हैंडल मिक्स्ड नेटवर्क ट्रैफिक वेरी एफिशिएंटली, ठीक है, मिक्स नेटवर्क ट्रैफिक भी हो तो उसको वो हैंडल कर सकता है ईजिली, ठीक है। एंड जितने भी डाटा लोडेड किए गए हैं सेम टाइप के सेल्स अगर वहाँ पर है तो उसको भी वो कम्प्लीट यूनिफॉर्मिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी प्रिडिक्टेबल बनाते हुए उसको कम्प्लीट कराता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप का यहाँ पर हमारे पास बेनिफिट्स हो जाता है जब हम एटीएम एंड टीडीएम को कम्प्लीटली साथ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारा बेसिक्स था रिलेटेड टू एटीएम, जो कि अभी तक हमने हर एक यूनिट वाइज भी या टॉपिक वाइज हम इसको अभी तक हम डील करते आए थे, तो यहाँ पर हम एक कम्प्लीट इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द एटीएम असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।